दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस ब्लॉग में, जिसमें आज मैं आया हूं करोल बाग में स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जिसका नाम है झंडे वालन। इस मंदिर की कहानी यह है कि चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी बद्रीदास, जिनके सपने में माता रानी दर्शन दिया था और कहा था कि यहाँ पे एक मंदिर है जो कि, जिसके बाद बद्रीनाथ ने यहाँ खुदाई कराया तो यहाँ से एक माता शक्ति की मूर्ति जो है वह प्रकट हुई। लेकिन मूर्ति खुदाई के दौरान माता शक्ति की जो मूर्ति थी वह खंडित हो गई थी। उस मूर्ति का जो हाथ है वह चांदी का बनवाया गया। उसके बाद जो बद्रीदास जी थे उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया और विधिवत पूजा पाठ जो है वो करवाई और एक नई माता रानी की मूर्ति की जो स्थापना है वो करवाई थी। यहाँ पहुँचने के लिए तो यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह झंडे वालान है। देखिए मंदिर जाने के लिए आपको यहाँ से आगे चलना, चलिए चलते हैं। देखिए मंदिर जाने के लिए इस तरह से ऊपरी ओवरब्रिज जो है वो बना हुआ है। ये देखिए यहीं से मंदिर में प्रवेश करने के लिए रास्ता है, चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको माता रानी के लिए जो चुनरी है या प्रसाद वो सारे सब कुछ यहाँ मिल जाएंगे। जूता रखने के लिए जो जूता घर है वो भी है यहाँ पे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं और अंदर आपको दर्शन कराते हैं माता रानी का। देखिए यही माता रानी की जो मेन मूर्ति है वो है। देखिए राम दरबार की कितनी खूबसूरत मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अयोध्या राम मंदिर की भी एक डिज़ाइन बनी हुई है यहाँ पे, और ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति लग रही है। यहाँ देखिए लक्ष्मी माता की भी एक मूर्ति है और इस तरफ आप देखिए तो एक बजरंग बली जी की भी मूर्ति है यहाँ पे। यहाँ देखिए गणेश जी की भी मूर्ति है, ये देखिए माँ संतोषी की भी एक यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। आगे बढ़ने पे यहाँ पे देखिए माँ अन्नपूर्णा की भी मूर्ति है, यहाँ देखिए माता शीतला की भी एक मूर्ति लगी हुई है और इस तरफ देखिए गौ माता की एक मूर्ति लगी है, साथ में कृष्ण जी भी हैं। बहुत खूबसूरत मूर्ति है। सारी मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये सारी मूर्तियाँ पीतल की हैं और इनके ऊपर जो ये छतरी लगी हुई है वह चांदी की है। सभी जितने भी यहाँ माता जी की प्रतिमा रखी हुई है या गौ माता की प्रतिमा लगी हुई है सबके सब पीतल के ऊपर से जो चांदी की है वह छतरी लगी हुई है। ये देखिए एक अखंड ज्योति है जो कि भक्तों के द्वारा प्रज्वलित की जाती है, जो हमेशा प्रज्वलित रहती है। चलिए आगे चलते हैं। श्री बद्री भगत जी हैं जिनके स्वप्न में माता रानी ने दर्शन दिया था और बताया था कि इस स्थान पे आप खुदाई करिए तो वहाँ पे एक मंदिर निकलेगा, जहाँ से माता रानी का मूर्ति निकला था जो कि चांदनी चौक में कपड़े के व्यापारी थे। माता मंदिर में भंडारा बुक करवाने का जो रेट लिस्ट है वो यहाँ लगा हुआ है, आप देख लीजिए। और ये देखिए समय भी आप देख लीजिए, जानकारी होगा तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से ऊपर चलते हैं शिवालय के दर्शन करने के लिए, आइए यहाँ से चलते हैं। देखिए मेरे सामने शिवालय है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।